दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान करने के बाद अब एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेंगे और इस बेहद ही अहम मुकाबले में कैसा रह सकता है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और भारतीय गेंदबाजी की नई सनसनी बन चुके उमरान मलिक का प्रदर्शन, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से महान खिलाड़ी कौन है? आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यदि पूरे मुकाबले में कोई एक खिलाड़ी नजर आया तो वो है हार्दिक पांड्या। आपको बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए केवल 33 गेंदों में अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा, वो भी इंग्लैंड की सरजमी पर। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और एक बेहद खतरनाक छक्का लगाया जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 198 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा। जब इस लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड उतरी तब सबको यही लग रहा था कि जॉश बटलर, डेविड मिलन, डीएम लिविंगस्टन और मोइन अली जैसे खतरनाक खिलाड़ियों से सजी इंग्लिश टीम भारत को आसानी से हरा देगी। लेकिन बल्लेबाजी में तूफान मचाने वाले हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कुछ और ही सोचकर उतरे थे। शायद इंग्लैंड की पूरी टीम पर अकेले भारी पड़ना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। आपको बता दें कि गेंदबाजी करते हुए भी इस खतरनाक ऑलराउंडर ने 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया जिसमें उन्होंने जेसन रॉय, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलन और सैम करन जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 50 रनों से एक शर्मनाक शिकस्त दी। वहीं अगर दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो एक बार फिर से वो बल्लेबाजी का फैसला कर सकते हैं और इस बार शायद कैप्टन जल्द आउट नहीं होंगे क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी शुरुआत जरूर की थी लेकिन मोइन अली की गेंद पर वो जल्द ही पवेलियन लौट गए थे और अपनी इस गलती को सुधारते हुए रोहित शर्मा दूसरे मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पिछले काफी समय से रोहित का बल्ला कुछ बड़ा धमाल नहीं कर पाया चाहे IPL हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, उनके बल्ले से शतक निकले काफी समय हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि दूसरे T20 मुकाबले में हिटमैन के बल्ले से तूफान आने वाला है। वहीं काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में जमकर गरज सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने जमकर पसीना बहाया है और जब विराट इतनी मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा मैदान पर साफ देखा जा सकता है। पिछले कुछ समय से उनकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं चल रही है लेकिन विराट कोहली कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे और दूसरे T20 मुकाबले में विराट और उनके चाहने वाले कोहली की धमाकेदार फॉर्म देख सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी और विराट कोहली भी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि वो अब अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। वहीं दोस्तों गेंदबाजी में बाकी के खिलाड़ी तो तूफान मचा ही सकते हैं। अगर रोहित शर्मा ने भारत की नई सनसनी बन चुके उमरान मलिक को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया तो इस बार ये खिलाड़ी भी तूफान दिखा सकता है क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर उमरान घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी तेज रफ्तार और उछाल लेती गेंदों का जवाब शायद ही इंग्लिश बल्लेबाजों के पास होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रोहित उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में जगह देते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये उमरान और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। साथ ही साथ इस मुकाबले में अपनी विध्वंसक गेंदबाजी से वो अपनी जगह को भी स्थापित करना चाहेंगे। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और उमरान मलिक का तूफान आ सकता है। ऐसे में कोई भी भारतीय प्रशंसक इस बेहद ही खतरनाक T20 मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बनेगा? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।